हेलो एवरीवन, मैं हूं नेमत रोशन, हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज वीडियो में बात करनी है आईफोन ऐप्स लॉक के बारे में कि हमने अपने आईफोन मोबाइल में ऐप्स को कैसे लॉक करना है। मिसाल के तौर पर व्हाट्सअप को कैसे लॉक करना है, फोटो गैलरी को कैसे लॉक करना, या कोई और ऐप हो उसके ऊपर आप लॉक लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल भाई पॉसिबल है। इसके लिए कोई ऐप्स की डाउनलोड की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल क्या करना है, सेटिंग करना है अपने मोबाइल के अंदर और लॉक लग जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, चलो बिना वेस्ट टाइम स्टार्ट कर लेते हैं। अगर फर्स्ट टाइम आए हो मेरे यूट्यूब चैनल पर या फेसबुक पेज पर तो फॉलो और सब्सक्राइब करें इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो चलो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन में, लेट्स गो। तो सबसे पहले अपने मोबाइल को ओपन करना हो, यहाँ पे मैं कुछ ऐप्स शो करने जा रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैं फोटो गैलरी को ओपन कर लेता हूँ, इसके ऊपर कोई भी लॉक नहीं है। इसके अलावा मेरा एक व्हाट्सअप है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, इसके ऊपर भी कोई भी लॉक नहीं है। तो इसके ऊपर हमने कैसे लॉक लगाना है, इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है शॉर्टकट। ये मोबाइल का अपना ही एप्लीकेशन है, थर्ड पार्टी से डाउनलोड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली क्या करना है, अपने शॉर्टकट एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे ओपन करोगी तो आपके सामने इसी तरह इंटरफेस खुल जाएगा और इसके बाद आपने क्या करना है, दरमियान में जो ऑप्शन आ रहा है आपको नज़र, ऑटोमेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगी तो कोने में आपको एक प्लस का आइकान नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। प्लस आइकान के ऊपर आप क्लिक करोगी तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट पर्सनल ऑटोमेशन, इसके ऊपर आप क्लिक करना है। ब्लू लाइन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इसी तरह एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा और सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है ऐप्स, ऐप्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ऐप्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पर ऐप्स चूज नज़र आ रहे हैं, तो इसके ऊपर क्लिक करके आपने वही ऐप्स को चूज़ करना है जिसके ऊपर आप लॉक लगाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अपना फोटो गैलरी को लॉक कर लेता हूँ, व्हाट्सअप को लॉक कर लेता हूँ, तो ये मैंने सेलेक्ट कर ली फोटो गैलरी। और इसके अलावा मैंने क्या करना है, व्हाट्सअप को सेलेक्ट करना है। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपना एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ डन के ऊपर क्लिक करना है। डन के ऊपर क्लिक करोगी तो इसके बाद आपने यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये इसी तरह एक और इंटरफेस यानी न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको नीचे एक सर्च का ऑप्शन नज़र आए, इस सर्च के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने क्या करना है, टाइमर को सर्च करना है। टाइमर टाइमर तो स्टार्ट टाइमर पर क्लिक करना है। स्टार्ट टाइमर पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है 5 मिनट्स, यहाँ पर क्लिक करना है और इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। पस नंबर सेकंड वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको पाइप नज़र आ रहा है, ये पाइप सेकंड लगा हुआ है तो इसको हमने क्या करना है, 1 सेकंड करना है। 1 सेकंड करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक सेटिंग करनी है, व्यू ज़रूरी है, तो लास्ट में आपको एक ऑप्शन नज़र आए आस्क बिफोर रनिंग, इसको ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद इसी तरह एक मैसेज आ जाएगी, इसको डोंट आस्क करना है। डोंट आस्क करने के बाद आपने क्या करना है, डन करना है। डन करने के बाद एक और सेटिंग करना है, क्या करना है, इसके बाद आपने जाना है क्लॉक में, क्लॉक को ओपन करना है और इसी तरह आपने क्या करना है, टाइमर पर क्लिक करना है। टाइमर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज करके लास्ट वाला चूज सेलेक्ट करना है और सेट करना है। सेट करने के बाद तो भाई अब हो गई हमारा प्रोसेस कंप्लीट। इसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली चेक करना है गैलरी, फोटो गैलरी और व्हाट्सएप वगैरह ऐप्स को कि लॉक लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। तो मैंने सिंपली फोटो गैलरी के ऊपर क्लिक करना है, तो देखिए ये 1 ही सेकंड के लिए ओपन हो जाएगा, इसके बाद ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, व्हाट्सएप को चेक करना है, तो मैंने व्हाट्सएप को ओपन कर ली, ये 1 ही सेकंड के लिए ओपन हो जाएगा और इसके बाद लॉक हो जाएगा। तो आप लोग इसी तरह सेटिंग करके अपने मोबाइल ऐप्स के ऊपर लॉक लगाना चाहते हैं और ये लॉक आप लोग अपने फिंगरप्रिंट, फेस लॉक या पासवर्ड की मदद से वापस रिमूव कर सकते हैं। तो ये थी शॉर्ट प्रोसेस, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को भी लाइक करें, अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।